प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर तो वो ऐसे नीचे तहसीलदार है, ऊपर सेक्रेटरी का पीए बैठा है, फिर ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सीएम बैठा है। गांव वाले पूछते हैं भाई कैसे हैं वहां पर अधिकारी लोग, वो बताता है कहते हैं तहसीलदार के सिर पे पीए बैठा है, पीए के सिर पे जो है मंत्री उसका सीएम बैठा है, सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर करके सिर पे सीएम बैठा है। अब वो समझाने वाला अनजान था, वो तो अपने हिसाब से सही बता रहा था पर समझनीय चूक कर गया। उन्होंने बता दिया कि एक दूसरे के सिर पर बैठे हुए, वो सिर पे नहीं, बीच में और पार्टी सन थी जिसका सपोर्ट न्यारा था। ऐसे ही ये लोग जैसे बीच में या गुरुत्वाकर्षण कहो इसको, प्रानंदनी शक्ति कहा सतगुरु ने, इसकी शक्ति के आधार से ये न्यारे न्यारे पार्टी समझे और अपने अपने स्थान पर ये टिके हुए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से रुके हुए हैं। यहां कहते हैं इनको कोई जानकारी समझे, बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। एक वट वृक्ष होता है वहां जड़ से चलती है, लंबा डाला पहुंच जाता है, मन 100 फुट लंबा 50 फुट लंबा, वो वहां टहनिया भी नीचे को आ जाती है, वो कि ये कहां पे रुका हुआ है। ये रोकने वाली एक मूल और है पेड़ जो जिसको सबको रोके हुए है। ऐसे ये शक्ति सतगुरु की ये सारे ब्रह्मांडों को रोके हुए है, ये कबीर भगवान की शक्ति है जो सबको रोके हुए। आगे बताते हैं, बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हों रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की, कहते हैं एक बार एक संत ऋषि ने एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की, उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था, उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते नीचे न हाथ, और उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान ना हमने छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गरुड़ देव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग दो ना खाए, वो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए। अब बंदी छोड़ कहते हैं चीन और नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ा कराम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए उसते। ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये तीन लोक के ईश्वर है और ये जो कथाएं हैं भाई ये काल के अधीन है, ये काल भगवान है, यहाँ का सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांध कर और नचाता है। अब आप देखिएगा एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जीओं की पत्नी को रावण ने उठा लिया था और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तजनों के मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूं या उनकी निंदा करता हूं, ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। तीन लोक का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये जीव से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि ये महाराज जी शायद भगवानों के निंदक हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो जो कह दी जा वह निंदा नहीं होती,
उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम को मालूम नहीं है कि सीता को कौन उठा लेगा, तो हम ये मन में प्रश्न आता था, किसी से पूछते थे जब हम कबीर पंथी नहीं थे। मैं तो इस सन 1988 में ये नाम लिया और सन 1993 के लास्ट में यानी लगभग 9वें महीने में सितंबर में गुरुदेव ने ऐसे तुरंत बुलाकर, 110-112 साल की आयु थी मेरे गुरुदेव की उस समय, और मैं तो अपने नौकरी करता था, बुला करके मुझे कहा कि आज के बाद तू नाम देगा। मेरे सिर पे हाथ धर दिया, मेरा पसीना आ गया सारे शरीर में कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। तो मैं उनकी आंखों से तरफ देख रहा हूं, वो भी जान गए कि ऐसा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत ना, और सतगुरु की शक्ति आपके सिर पर रहेगी। जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ उसके बाद ये मैंने सन 1994 से प्रचार शुरू किया। उसके 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 है, अब 2001 हो गया। अब ये 7-7.5 वर्ष में 1.5 लाख नई कबीरपंथी संगत हरियाणा जैसे राज्य में 1.5 लाख 7 वर्ष में, क्योंकि आज कोई नादान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं, 2 रोटी खाते हैं और शास्त्र सबके पास उपलब्ध, इनको पढ़ कर देखो। ये मत समझना कि मैं शास्त्रों के बोझ मरता हूं, इनको उठाए फिरता हूं, नहीं, ये तो आपके लिए कोई आकर खसे और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र है। एक अंधा था, वो लालटन लिए फिरे अंधेरे में, लालटेन ले रखी उसने हाथ में, बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटेन किस लिए ले रहा जब तूने दिखता ही नहीं। कहता आप आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम, ये लालटेन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो, ये लालटेन रखी है मैंने, कोई मेरे से ना खसा, इनको पढ़ो अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप। तो प्रसंग जो चल रहा था, भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई, फिर भगवान कैसे, मन में कहा नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए, लेकिन शंका आती थी तो ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहां लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे, किस लिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में, जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध कर कैद में डाल रखा था, और इन ऐसायों की तुम पूजा करते हो भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या, नास्तिक होता जा रहा है समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहां अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने, ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता, बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जा करके, अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था, फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जाए या बकरी गुम हो जाए, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा, कोई मुझे वहां मिल गई,
ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जी को बताया, ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो और उठा ले जा रहा, लीला करता रहे पीछे से भगवान या कोई भी पति, वो भगवान ऐसा है थे, क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं, और कबीर साहब असंख्य भुजा के बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो 4 हॉर्स पावर, ये 4 हॉर्स पावर के समझो, इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है, इनके पिता है 1000 हॉर्स पावर के समझ लो। एक कंपेरेटिव एग्जाम देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ, और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहां से बिजली मैन्युफैक्चर होती है बनती, असंख्य भुजा है उस मालिक के जहां से सारी शक्तियां बाहर आती। उधर से भगवान शिव जी और पार्वती जी ऊपर से देख रहे हैं। पार्वती कहती है इस व्यक्ति को क्या दुख है, ये तरन तारण। तो भगवान शिव कहता है ये व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। वो कहती है ये कैसा भगवान जब रो रहा है, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। ये भगवान शिव कहते हैं तू नहीं जानती पार्वती, सती तू नहीं जानती देवी, मैं जानता हूं ये विष्णु अवतार है, और इनकी पत्नी उठा ली किसी ने, ये उसकी तलाश के उसके वियोग में रो रहे हैं। तो पार्वती कहती है, वो देवी कहती है फिर भगवान रोता क्यों है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। तो शिव जी कहते हैं परीक्षा मत लेना। वो कहती है अच्छा नहीं लूंगी। थोड़ी सी देर के बाद भगवान चले जाते हैं, भगवान आते हैं नीचे शिव जी, और भगवान के चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को और चले जाते हैं। पार्वती सोचती है कि ये शिव जी भी भोलानाथ है, ये वैसे किसी के चरण छू लेता, ये तो ऐसे दशरथ पुत्र है, राजा का लड़का है, वियोग में रो रहा है। भगवान शिव अपना घूमने चले जाते हैं, पार्वती पीछे से, वो देवी जी पीछे से सीता रूप बनाती है, सीता रूप बना के भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। उस समय भगवान राम कहते हैं हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी, तो भगवान ने कहां छोड़ आई शिव जी को, अकेली कैसे आ गई। तो वो कहती है भगवान तो ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे भगवान, शिव जी आप तो वाकई भगवान है। अब यहाँ सोचने की बात है बलगना, अब तो सीता उसने पहचान लिया कि सीता नहीं है तो पार्वती है, और उसने भगवान को मालूम ही कि सीता गई कहाँ है, ये क्या चीज है, ये समझना होगा आपने। और ये समझाने के लिए सतगुरु का ज्ञान, ये सारी भूमिका आपको बता रहा हूं कि ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का एक रिमोट कंट्रोलर है, इसने जिस जीव की जितनी बुद्धि खोलनी है वहीं से छोड़ देता है, ऑफ करनी है वहां से कर देता है। उधर से जब पार्वती वापस जाती है तो भगवान की उनको जान जाते हैं, क्योंकि वो भी इस काल नरेंद्र के हाथ में, भगवान शिव को अंदर में जाकर विचारणा कर दिया चेष्टा देगी कि ये सीता का रूप बना कर गई है। उसने आके पूछा कि तू सीता का रूप बना कर गई है, वो हंसने लग जाती है, नहीं नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शिव ने पार्वती को हृदय से उतार दिया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसने कहा कि तू मेरी माँ का रूप बना के गई है, अब तू मेरी पत्नी नहीं रही। माँ क्यों कहा, ये 3 भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है, तीसरे नंबर का शिव है।
क्योंकि शिव की पत्र शिव का बड़ा भाई जो विष्णु हुआ और बड़ी भाभी माँ के तुल्य होती है। ये हमारा एक संविधान है, ये एक हमारा आचरण होना चाहिए कि बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तूने आज मेरी माँ का रूप बना लिया तो मेरी पत्नी नहीं रही। भगवान शिव ने उसको अपने हृदय से तलाक दे दिया, अपने हृदय से कहा नहीं। पार्वती भी इस बात को जान गई कि अब ये पक्का अनाड़ी है और इन्होंने जो निश्चय कर लिया ये दोबारा स्वीकार नहीं करेगा तुझे। उसके बाद क्या होता है, अब मैं शास्त्र सुनाऊंगा पर आपने ऐसा लगेगा जैसा कि महाराज जी, क्योंकि शास्त्रों के सुनाए बिना हमें, जैसे मैं बताऊं कि एसएचओ जो थानेदार होता है, अब थानेदार ने कोई सोचा कि सुप्रीम पावर है, सारे जिले का मालिक है, और मैं कहूं नहीं भैया नहीं, ये तो इसका कर्म इसकी क्रिया ही न्यारी है, ये तो एक सुरक्षा का प्रतीक है और इसका कुछ सीमित क्षेत्र है, ये ज्यादा नहीं है। उसका जो पुजारी है वो महसूस कर सकता है जिसने नहीं ज्ञान, क्योंकि वो तो उसने बहुत बड़ा शक्तिशाली मान रहा था, लेकिन वो थानेदार को थानेदार कहना कोई निंदा नहीं है, डीसी को डीसी बताना, तहसीलदार को तहसीलदार बताना कोई निंदा नहीं, कोई नादान उनको प्रधानमंत्री माने बैठा हो तो उसकी गलती है, तो गलत सोच रहा है। उसके बाद वो देवी जो है सोच लेती है कि यहां दो तो घर में सदस्य हम और दोनों ही आपस में बोल नहीं रहे, तो मैं यहां से खिसक जाती हूं, अपने पति अपने पिता राजा दक्ष के यहां आ जाती है। पार्वती ने जबरदस्ती यानी ऊपर से होकर माता पिता की आज्ञा के विपरीत शादी की थी भगवान शिव से, क्योंकि उसके पिता राजा दक्ष कहते थे कि मैं शिव का शादी नहीं करूंगा अपनी बेटी की, क्योंकि ये तो गले में सर्प रखता है, राख लपेटे रहता है, इसको मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन पार्वती ने अपने हृदय से स्वीकार कर लिया था, नारद जी ने उनसे बता दिया था कि ये परमात्मा है, बेटी तेरा संयोगिनी से, माई तेरा संयोगिनी से, तो उसने शिव को चिट्ठी लिख दी थी नारद के हाथ से, आप आ जाओ मैं आपको तो वर भरूंगी। तो भगवान शिव चले गए थे, राजा दक्ष की नहीं बताई थी, तो पार्वती ने उसको लड़की उस देवी ने उनका माला डाल दी थी, यानी भगवान शिव ले आए थे पत्नी रूप में। उसके बाद राजा दक्ष ने उनको कभी नहीं बुलाया था किसी भी अनुष्ठान में, या कोई घर के घरेलू कोई ब्याह शादी में नहीं बुलाते थे, दोनों को रुष्ट हो गए थे। अब वो जो देवी है वो पार्वती समझो, वो वहां पहुंच जाती है राजा दक्ष के घर पर है, उसमें वहां पर एक यज्ञ हवन चल रहा था, यज्ञ हो रहा था राजा दक्ष ने की थी, तो उस राजा दक्ष को ये मालूम था मैंने भगवान शिव को नहीं बुलाना, वो रुष्ट होगा मेरे तरह, और रुष्ट होगा तो यज्ञ में बाधक बनेगा, मेरी यज्ञ को खंड करेगा, इसके लिए भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से विशेष प्रार्थना की थी कि मेरी यज्ञ आपके हाथ में संपूर्ण करानी, आप मेरी रक्षा कीजिए। दोनों के दोनों विराजमान थे उस यज्ञ में राजा दक्ष की सुरक्षा के लिए। उधर से जब वो देवी जाती है, वहां पर क्या कर रखा था कि जो रिश्तेदार बहनों के बटेऊ लड़कियों के बटेऊ यानी पति वो जो आए हुए थे, या कोई गणमान्य महापुरुष आए थे, या कोई सिद्ध पुरुष ऋषि थे, और जो नहीं आए थे जिनको आमंत्रित किया हुआ था, उनके आसन लगा रखे थे न्यारे न्यारे, और जो रिश्तेदार नहीं आया था उसका हिस्सा सबके सम्मान न्यारा न्यारा उसके खाली स्थान पर उसके आसन पर रखा जा रहा था, पूजा भी और उसके कपड़े भी जो कुछ भी उसमें पुरोहित आदेश देता था। लेकिन भगवान शिव का उसने देखा, देवी ने घूम कर चारों तरफ, भगवान शिव का ना कहीं आसन था और ना ही उनका हिस्सा निकाला हुआ था,
इस बात से बहुत अक्षुभ हो जाती है, देवी बहुत नाराज हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, क्योंकि बेटी का माँ के ऊपर ही जोर चला कर है। माँ के पास जाके कहती, माँ ये तुमने क्या कर रखा है, आपने अपने दामाद का ना कि हिस्सा रखा है ना उनका आसन दिया है, ये तुमने गलत किया है। अब माँ कहती है, बेटी मैंने तेरे पिता से प्रार्थना की थी पर वो नहीं माना, वो कहता है इस लड़की ने मेरे साथ मजाक किया है, मेरी बेइज्जती करवाई है, मनमर्जी से शादी की है, अब मैं उनको ना बुलाऊं ना उनका हिस्सा रखूं। बेटी ना तो तू मानी मेरी बात ना तेरा पिता मानता, अपने पिता से पूछो जाकर। राजा दक्ष के पास जाती है, पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। तो राजा दक्ष कहता, तुझे किसने किया, तू क्यों आई है ऐसा, क्योंकि इससे हमें थोड़ी शिक्षा चाहिए कि हमने कभी भी किसी का किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे की बच्ची कोई बात नहीं, प्यार देते कोई बात ना बेटा, अपना कारण बताते प्यार से कहते, लेकिन कहा कि तू किसने बुलाई थी यहां पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए किसी के यहां पर। पार्वती ने सोचा कि इस जीने से मर जाना अच्छा है। वो देवी जो है हवन कुंड बड़े बड़े बनवा रखे, उसमें पूरा घी डालें और लपट जाना ऊंची ऊंची अग्नि की, उस हवन कुंड में गिर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद उनको सती की पदवी दे दी गई कि वो सती होगी, उनको सती जी कहने कहा जाने लगा। इधर से भगवान शिव ने इस बात का ज्ञान हुआ कि ऐसे ऐसे पार्वती का अनादर हुआ सती जी का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहते हैं भगवान शिव ने अपने बालों से एक बाल पाड़ा जटा से और जमीन पर पटक दिया, ये शिव प्राण रखा मेरे पास। तो ये ना समझना कि महाराज जी भगवान की वैसे अपने घर पर उठा जाते होंगे, ये शिव प्राण मेरे पास रखा, इसमें न्यू का लिख रखा। उसने एक बाल पाड़ा जमीन पर पटका, उसमें से कहते हैं एक कालभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र की, दीन दो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा, और कहता आदेश तो भगवान क्या करना है। भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि राजा दक्ष की गर्दन उतार दे जाकर, सारे ले जा भूत प्रेत ये सब सेना तेरे साथ है, ये जन सबको ले जा। अब सबको लेकर वीरभद्र चल पड़ता है। राजा दक्ष के सभा में इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वीरभद्र आ रहा पूरी सेना लेकर, और सभा मचा देगा, सब राजा लोग खिसक जाते हैं चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी और विष्णु भी वहां से चलने की तैयारी करते हैं। इसलिए राजा दक्ष कहता है, ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने आपकी आग लेकर आपकी ओट लेकर आपका सहारा लेकर मैंने यज्ञ शुरू किया था, आप तो मत जाओ, आप तो मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा कहता नहीं भैया नहीं, वीरभद्र के सामने कौन अपना सिर कटवाओ, हम ही रुकते। ब्रह्मा तो चले गए कहते कहते, कहते भगवान विष्णु रुक जाते हैं काफी आग्रह करने से। तो वहां क्या होता है, वीरभद्र आ जाता, विष्णु जी के वीरभद्र का आमना सामना हो जाता है। वीरभद्र ने भगवान के तीर मारा और कहते हैं भगवान जो है विष्णु जी शतब्द हो गए, मूर्तिवत हो गए, पीले पहले नहीं जा रहे। फिर वेद मंत्र बोलने वालों ने वेद मंत्र बोलकर भगवान की शतब्दता दूर करी। फिर भगवान विष्णु भाग गए, नौका ने लिख रखा है जीव प्राण में। अब यहां से भगवानों की समर्थता, इनकी सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण शास्त्रों से ही बता रहा हूं आपको, ये कितने सर्वशक्तिमान है और कितने ये समर्थ है। ये तीन लोग के ईश्वर है, ये चार भुजा के भगवान है, इनमें जितनी शक्ति है आम जीव से ज्यादा है, क्योंकि ये परमात्मा है। आपको परमात्मा की परिभाषा बतानी पड़ेगी, परम माने श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ आत्मा है, ये आम जीव से उच्च आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उत्तम आत्मा है, इनमें दयालुता भी ज्यादा है, इनमें सहनशीलता भी ज्यादा हमारे आम जीव से, इसलिए इनको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, उसी ही आत्मा, उच्च आत्मा, और इसलिए इनको इन तीन विभागों के मालिक बनाया जाता है। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, इन्हीं को पदों पर रखा जाता है, अन्य को नहीं रखा जाता। ये परमात्मा, ये हमारे से परम है, आम जीव से परम है, इनके परम, इनके पिता है परमात्मा, जो 21 ब्रह्मांड के मालिक है। ये 21 ब्रह्मांड की परमात्मा से और ऊपर एक परमात्मा है, वो परब्रह्म है, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष से ऊपर भी एक और परमात्मा है, इनसे भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो कबीर भगवान है, जो सब परमात्माओं से परमात्मा है। ये परमात्मा की परिभाषा आपके समझ में आई होगी। तो भगवान वीरभद्र दोहा आगे जाके भगवान को भाग गए। वीरभद्र ने राजा दत्त की गर्दन काटी, ऋषियों ने प्रार्थना की, शिव जी के पास जाके आपके आपके सुसर को जीवित कर दो, हाहाकार मच गई। कहते हैं जाओ एक बकरे का, किसी भी प्राणी का सिर ले आओ, काटते बकरे का सिर काट लाए भगवान शिव ने, और राजा दत्त की गर्दन पर जोड़ दिया, ऊपर के मुंह बकरे का होगा और जीवित होगा राजा दत्त। फिर जाकर के भगवान ने पार्वती को ढूंढा, कहाँ है वो जली हुई, उनका अस्थि के अंदर कंकाल पड़ा था जला हुआ, बाहर निकाल दी थी तुरंत के, उसका सारा हाल काम, ये सारा काम और मांस जल चुका था, केवल हाड हाड बकाए थे, बोन बकाया थी केवल हड्डियां थी। उस अस्थि पंजर को फिर भी पार्वती समझ कर इतना उसके अंदर मोहित मोह उत्पन्न हो गया, इतना मोह उत्पन्न हो गया कि अंधा हो गया। उस कंकालों को उठाकर भगवान 10,000 वर्ष तक के लिए ऐसे हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, पार्वती पार्वती बिलखता हुआ घूम रहा है, और उसको अपने छाती से दूर नहीं कर रहा है। अब यहां सतगुरु महाराज कहते हैं, इस काल भगवान ने ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार। काम देह है, विषय वासना जो संतान उत्पत्ति होती है जिससे, उसको काम कहते हैं, सेक्स जिसे कहते हैं। इसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत है, 10,000 एलिफेंट पावर, और फिर उसके बाद क्रोध इसमें 15,000 हाथियों जितनी ताकत है, और फिर काम क्रोध लोग इसमें 20,000 हाथियों जितनी शक्ति है, और मोह के अंदर 30,000 हाथियों की शक्ति है। इतना हमारे अंदर ये 5 कैप्सूल दे रहा था, हमारे अंदर काल में ये 5 इंजेक्शन लगा रहे थे, जो समय समय पर जीव को नचाते रहते हैं। ये जीव के बस का नहीं है, ये तो सतगुरु कबीर भगवान देव से ऊपर की शक्ति है, उसकी साधना के विकार नॉर्मल होते हैं, उस सतनाम के सिमल से ये नॉर्मलाइज होते हैं। नहीं तो आम जीव को देखिए सुख की साधना करके कहा है, मैं इनको खत्म कर लूं, कभी नहीं होगा। ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं, इसमें कई आपको दर्शन आपके सुलझेंगे। यदि फिर देखा भगवान ने, विष्णु जी ने, तो भगवान शिव को कति अंधे हो गए, इनको कंकाल नजर नहीं आ रहे, इनको पार्वती नजर आ रही है, इनका मोह भंग किया जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और इसके अस्थि पंजर खंडा दिए, आंख पड़ी हुआ नैना देवी, गद पड़ा हुआ वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए बाद में। उन मंदिरों में वो शक्ति नहीं है, यही तो हमारी भूल है कि हम भगवान ने जिन चीजों को मना किया और उनको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। भगवान ने मूर्ति पूजा बंद की और मंदिर नहीं बनवाए, हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं, ये हमारा मंदिर है जो शरीर के अंदर बना हुआ है। एक भक्तजन कहने लगा कि आप मूर्ति को प्रणाम करते हो और कहते हो मूर्ति की पूजा मत करो, आप स्वयं मूर्ति पूजको। अब उस नादान ने कौन समझाया, क्योंकि वो बेचारा, उन्हें ज्ञान ही इतना मिला हुआ है, पूजा क्या चीज है,
और प्रणाम क्या चीज है। प्रणाम इज द पार्ट ऑफ द पूजा, ये पूजा नहीं है। ओनली रिगार्ड अपने इसको, फिर हम अपने इस मन पापी अहंकार की राक्षस को मारने के लिए कि हमारे सामने स्वरूप सतगुरु का है, नमन कर दिया, ओनली रिगार्ड दिया, पूजा नहीं की। पूजा की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूजा के अंदर सर्व सब चीजें आ जाती हैं, दान भी, धर्म भी, हवन भी, सिमरन भी, ये सब मिलाकर पूजा कहलाती है। एक प्रणाम कर देना पूजा नहीं, ये रिगार्ड ओनली, ये आदर है सतगुरु का, ये पूजा नहीं है। और इसको हम चाहे वो पत्थर की है तो कागज की, हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए हमारा हृदय गदगद भर जाता है। सतगुरु ने केवल इस बात पर आश्रित कर देना, हो जाना कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान है, इस पर पूजा करो, इस पर पानी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, फूल चढ़ा दो और ये मूर्ति भोग लगाओगी। नहीं, उस मूर्ति का बनाना, उस भगवान के गुणों को याद दिलाना, जैसे हम कोई गंदी पिक्चर देखते हैं, तस्वीर, हमारे अंदर गलत प्रेरणा आती है। हम किसी ऋषि की देखते हैं तस्वीर, आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होती है। ये मीडिया है, ये सेंटिमेंटल है। परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा की स्वरूप देखते उसके गुणों का याद आता है, लेकिन उस मूर्ति में वो गुण नहीं है। इसलिए उसको अपूज्य भी बताया है। अपूज्य चित्र है कि केवल मूर्ति पर जल चढ़ाना, उसी की आरती उतारना, उसी पर सब कुछ सीमित हो जाना, ये पूजा नहीं है। ये इसलिए मना किया है कि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये पूजा नहीं है, ये केवल अपने इष्ट का हम आदर करते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों बताया था कि खेल एक मिट्टी का बनाकर कर दिया, पत्थर का, और बहुत बढ़िया रंग पेंट कर दिया एज इट इज बिल्कुल, और वो खेल नजर आता है। इसको देखकर खेल के दिल याद आए कि वो बहुत मीठा होता है, इसको खाकर देखा इसमें मीठा नहीं है। उसने भी याद दिलाया कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, उसकी ट्राई करे, कोशिश करे वो कैसे मिले। भगवान की मूर्ति देख कर हमने ईश्वर को याद आता है, हम सुनने पर लग जाते हैं। भगवान ने कहा कभी साधने के सांस सांस में नाम जपो, वृथा सांस मत खो, ना जाने इस सांस का बिना आवन हो अपना। ये मूर्ति देखते ही हमारे हृदय में सुनने पर हो जाता है सतगुरु, ये मूर्ति इतना लाभ देती है, इसलिए बनाई थी। लेकिन अब इन मूर्तियों पर ही सब आधारित हो जाना, मंदिर में गए, पानी चढ़ाया और फिर अपने सारे विकार किए। शिव में और उस भैंस के अंदर क्या अंतर रहा? मैं बस वो भी अंधी होगी, उसने देखा नहीं कि ये भूस भरा हुआ है, इसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान शिव ने मोह बस अंधा होकर वो पार्वती कंकाल जो है वो पार्वती नजर आ रही थी। अब ये निंदा नहीं समझना, क्योंकि मैंने साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ती है कि ना जाना। जब भगवान का मोह भंग होता है शिव का, एकदम वो बहुत पश्चाताप करता है। उनने मन में क्या ठान लिया कि अब मैं इस शख्स को, इस कामदेव को खत्म करूंगा, यही मेरी दुर्गति का कारण बना। अगर शख्स नहीं होता, काम नहीं होता, तो मैं शादी नहीं करता, और शादी नहीं करता तो पार्वती का ये हाल नहीं होता और ये मेरी दुर्गति ना होती। उन्होंने 88,000 वर्ष तक अपना मेडिटेशन करके, मनन करके, आत्म चिंतन करके 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई कैलाश पर्वत पर जाकर। उसके बाद उनकी समाधि टूटी और उनको हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब ना रही बांस ना बजेगा बंसुरी, अब ये काल बहुत बली है ये काल। भगवान कुछ दिन तो प्रसन्न रहा भगवान शिव, एक दिन उनके मन में प्रेरणा भर दी काल भगवान ने कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने, जब हमने सागर मंथन किया था, जहर निकला था, मैंने तो जहर पी लिया था, मुझे कोई होश नहीं, बाद में क्या हुआ।
सुना है कि देवताओं ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाकर, औरत का रूप बनाकर उनको मोहित करके मदहोश कर दिया था, तब देवताओं ने वो कलश छीन लिया था। उस रूप में भगवान बहुत सुंदर लगे होंगे, वो रूप देखना चाहिए। भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, आदर सम्मान हुआ, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं, आप बहुत दिनों में दर्शन दिए, तो कहते हैं मैं तो 88,000 वर्षों के बाद साधना करके आया हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा, क्या किया? कि मैंने जो है अपने काम वासना पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। विष्णु जी बोले, तभी तो नजर नहीं आया बहुत दिन तक, कहा इसी कारण में गया हुआ था। कुछ देर के बाद प्रश्न करते हैं भगवान, कहा विष्णु जी कहते बोलो, मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आपने जब देवताओं से वो कलश छीना था अमृत का, सुना ना आपने एक मोहिनी रूप बनाया था सुंदर लड़की का, काम बनाया था वो बना, वो मान नहीं रहे थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे, हम कमजोर थे, वो ज्यादा शक्तिशाली थे, तो आपने क्या किया था? आपने मोहिनी रूप बनाया था। अकाश भगवान, वो मोहिनी रूप मुझे एक बार फिर दिखा दो, एक बार फिर बना के दिखाओ, मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो नशा हो गया था मेरे को जहर का, और मैं नहीं देख सका ये सारी लीला। विष्णु कहने लगा, भोलेनाथ ये बार बार थोड़ा बना हुआ था, कोई समय था जो बनना पड़ गया, अब थोड़ा बनूंगा मैं, अग्नि मुझे एक बार वो रूप दिखाओ, अब नहीं तो मैं ये बार क्षत्रिय बार में आ गया, आपके द्वार से मैं तो रूपा लिया। विष्णु जी ने सोचा, ये तो समाधि भी 88,000 वर्ष लगा लेगा और द्वार पर तो हटा नहीं, इसलिए इसको मैं यहाँ से बलता करूं, इसकी शर्त पूरी करता हूं। कहता अच्छा जी, इधर उधर की बातें करी, कहते यूं तो मुझे शर्म आती है, मैं अंदर जाता हूँ फिर बन के आऊंगा, अब जाओ। तक वो तो अंदर चलेगा ना, बैठे हुए थे। इतने में भगवान दूसरी तरफ जंगल में सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देते, और भगवान इस शिव ने देखा, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, उठ कर उस लड़की के पीछे भाग लिए, ऐसा सूत्रायण में लिखा हुआ है। उस लड़की के पीछे भाग लिए जो बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुए थी, अर्धनग्न शरीर था वो लड़की, आगे आगे भगवान शिव पीछे पीछे, काफी दूर भाग के उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले भगवान की बुरी हालत हो चुकी थी शिव की, ऐसा सुप्राण में लिखा, मैं यहां वर्णन भी नहीं कर सकता आपके सामने। अब जब हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं, उनका स्वरूप देखकर शिव जी कहते हैं, तेरी लीला तू ही जाने। विष्णु बोला, तू कह रहा था 88,000 वर्ष हो गए और साधना कर ली, इंद्री जीत ली, क्यों पागल हो रहा था, इसमें कुछ ना दिया। ये काल बलि जो है इन सबको लता रहा है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब समझो गरीबदास, इनकी एक ही, क्योंकि जो सतगुरु के शिष्य है वो उन्हीं की बोली बोला करते हैं। गरीबदास ने लिखा कि सरंग बरंग कुरंग मतंग, बरंग और सरंगा, इंद्री पांच ठगो तिस अंगा। इसका के तात्पर्य है, सबंध सत्र स्वरूप रसगंध, ये चार विषय हमारे निष्काल बलि ने इस जीव के ऊपर ठोक रखे है, इनको ये नचा रहे हैं। फिर कहते हैं, तुम रेशम पांचों पर काशा, योग युगत की झूठी आशा। एक विषय के वश होकर शब्द, ये कान का विषय है, मीठे मीठे शब्द या गाने सुनना ये भी विषय है। जब इन विषयों से भी आपकी आत्मा दूर हो जाएगी और भगवान के चिंतन में, उसके सुनन में, उनके गुणों में बैठ कर रोना शुरू करोगे, तब आपकी आत्मा भगवान की तरफ अग्रसर हुई है। नहीं तो ये मीठी मीठी आवाजें सब सुन सुनकर राजी हो जाते हैं। पद गाया मन हर्षिया, और साखी कहा आनंद,
सोतत नाम न जानिया वर में पड़ गया फंद, इस कबीर साहब कहते हैं। कुरंग, कुरंग कहते हिरण को, हिरण में कान का विषय होता है, वो कान के एक शब्द करता है शिकारी, उस शब्द की ऐसे एक सारंगी से तान बनाता है और वो उसके वश होकर प्राण त्याग देता, उसके चरणों में जाकर के टिक जाता है, मत्था टेक देता है, अपनी जान खो देता है, वो विवश है। ऐसे फिर कहते हैं शब्द सप्रस, हाथी के अंदर काम वासना ज्यादा होती है, हाथी पकड़ने वाले एक हथनी सिखा कर ले जाते हैं, पढ़ाई हुई होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं नीचे लंबा चौड़ा और उसमें घास ऊपर डंडे डालकर बांस डालकर मिट्टी डालकर घास ऐसे लगा देते हैं जैसे यहाँ खड़ा ना हो, उस हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं, वो हाथी के चारों तरफ सतर्क करती है, उसको वासना जगाती है, फिर भाग लेती है, उसके पीछे दो तीन हाथी भाग लेते हैं, वहां आकर के अरे पकड़ने वाले ऊपर वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, अपना दूर उनको दिखाई नहीं देते, हाथी अंधे होकर भाग लेते हैं, हथनी उस स्थान को बाईकाट कर जाती है, बाईपास करके अरसी भी फिर भाग लेती है, हाथी सीधे भागते हैं, वो सारे के सारे उस बड़े में गिर जाते हैं और फिर उनको नचाया जाता है, उसके वश हो गए। सबंत सप्रस रूप रस रूप है, जैसे आपने पतंगे देखे होंगे दीपक पर जल कर मर जाते हैं, उनमें विषय होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भारा, रस है मछली, मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है, मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है, वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता उठा के, रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भावना जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उसको उठा नहीं जाता और वो फूल बंद हो जाता है शाम को, वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहां देवदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों पर कासा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये पांचों ही लगा दिए कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जाए। उम्र संग पांचों पर काशा, योग युगत की झूठी आशा। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहां से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है, मैं बताता हूं आपको, सतनाम देंगे हम, सतनाम है सांस का सिमरन, सांस को सांस सिमर कर उसके शरीर खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आओगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमर सतनाम है, सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी, केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है, सतनाम आपको भक्ति के योग करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सारनाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग पूरा प्रशस्त होता है, जैसे जमीन से पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, ट्यूबवेल लगाना है, हैंडपंप लगाना है, उसके लिए क्या होता है, एक या तो ड्रिल मशीन से या ऐसे बोकी के द्वारा लोहे का एक पाइप सा होता है, उसके माध्यम से बार बार ऐसे बोकी लगाई जाती है, ये सांस उसांस रूपी बोकी सतनाम से लगाई जाएगी, वो क्या करेगी, पानी तक पाइप को पहुंचा देगी, बस उस बोकी का काम है पानी तक पहुंचा दिया, पानी बाहर नहीं आया, उसके लिए फिर मशीन बांधनी होती है हैंडपंप की न्यारी, उसने फिर पानी बाहर किया। सतनाम आपको, उस सतनाम आपको पार ब्रह्म के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा,
पार्वती के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म के अंदर जाना है, ये लाभ लेना है, वो सार नाम रूपी हैंड पंप आपने और लेना होगा जब वो पूर्ण प्राप्ति होगी इनकम, क्योंकि नाम जो है सतगुरु ने, नाम का ही आसरा, शब्द के सहारे जीव जाएगा, कोई नहीं सोचे कि वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु ने कहा है कि सांस सांस में नाम जपो, इसलिए कोई जपने का नाम है और सांस के ही द्वारा है। उसी का प्रमाण गरीबदास जी ने दिया जो कबीर साहब ने डायरेक्ट उनको नाम दिया था, लिखा हुआ अपने शास्त्र में। गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने धर्मदास को ही नाम दिया सतनाम, वो लिखा हुआ कबीर पंथी शब्दावली में कि धर्मदास को ये मंत्र दिया और इसका सिमरण बताया कि धर्मदास अंतिम सांस तक इस सतनाम का सिमरण करना और फिर मैं तुझे सारनाम दूंगा। ये सारनाम के योग्य बहुत कम प्राणी होते हैं, लेकिन सतनाम भी निष्फल नहीं जाता। मुक्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर आपको अवश्य मिलता रहेगा, हो सकता फिर परमात्मा स्वयं आ जाए या हमारे जैसे जीव की ड्यूटी लाकर आपको फिर सुलझा जाए। तो इस प्रकार धर्मदास को कहा, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार नहीं जाए, आम व्यक्ति को नहीं बताने योग्य होता। 64 लाख सस्ते सतगुरु के, उन 64 लाख में से एक धर्मदास था जिसको मालिक ने सार शब्द दिया था, अन्य को अनयोग्य नहीं हो पाए, बल्कि वो तो सतगुरु में विकार निकाल कर, सतगुरु में बुराई ढूंढ कर उनसे दूर हो गए थे। ये अब आज और कल में सतगुरु की महिमा बताऊंगा आपको। अभी आप सुन रहे थे कि बसी सर्प ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय बहुली, मंत्र सुनाने वाले दन दन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक चंद्र विजय नाम का द्वापर के अंदर एक राजा हुआ, उसकी पत्नी का नाम श्रीमती इंदुमती था, इंद्रमती भी कहते हैं उसको, इंदुमती भी कहते हैं। वो बहुत धार्मिक विचारों की आत्मा थी। अब जैसा भी उनको मार्गदर्शक कोई गुरु मिला था, उसने कहा कि एकादशी का व्रत रखा कर बेटी और संतों का आदर करा करो, आए संत को भोजन करावे, इससे तो फिर रानी बन जाएगी कभी, जब आपका 84 लाख जुनी भोगने के बाद कभी मनुष्य मिलेगा तो आप फिर रानी बन जाओगी, ऐसा कौन करना। क्योंकि यहाँ का संविधान है कि जीव करे का किए हुए का कर्म ही भोगेगा, उसमें फेर बदल नहीं होता, उसके आधार पे आज पूर्ण करते हैं तो कभी जब मनुष्य शरीर होगा इनको दे देगा काल भगवान। बीच में 84 लाख भी जाना होगा, स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा, ये पूरा प्रोसीजर बना रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होती। और सतगुरु महाराज इसमें पूरा चेंजमेंट कर देते हैं। कबीर साहब की आत्मा का धर्मराज लेखा नहीं लेगा, उसके उसके कागजों से बाहर होती है तो सतगुरु के पास जाती है, उनको फिर पुनर्जन्म मिल जाता है। अगर उनकी भक्ति पूरी ना होती है वो ना तपक शिला पर जाते, ना नरक में जाते, ना स्वर्ग में जाते, उनको फिर मालिक अपनी शक्ति से, उनको अपने कोटे से, उनकी करनी के आधार पे और जन्म देता रहेगा, मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे। कितने मिलेंगे ये उनकी कमाई के ऊपर होगा। अगर मनुष्य शरीर के दौरान फिर कोई संत मिल जाता है सतगुरु का, उनको फिर आगे नाम देकर उनकी कमाई फिर करवा जाएगा, या तो पार हो जाएंगे अन्य उनकी फिर मनुष्य शरीर जुगाड़ फिर जुट जाएगा। तो इंद्रमती ने क्या सोचा, अगर ऐसे ही रानी बनते हैं तो उसने संकल्प कर लिया कि रोज आना एक महात्मा को भोजन कराऊंगी, ज्यादा आ जाए तो मेरे भाग, कितने आओ पर कम से कम एक को, महापुरुष को, भक्त आत्मा को रोज आना भोजन कराऊंगी, पीछे भोजन किया करूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसने ऐसा ही सब आसपास अपना संतों से आमंत्रित करें, कोई रोजाना 100, कोई 200, कोई 5, कोई 20 रोजाना भोजन खाने आ जाते हैं और बाद में रानी रोटी खाती है, भोजन पाती है।
एक बार क्या होता है, कुंभ का मेला आ गया, ये सभी महात्माओं कुंभ नहाने चले गए और इंद्रमती को 3 दिन कोई संत नहीं मिला, रानी ने भी रोटी नहीं खाई। 4th दिन अपनी बांदी से कहती है कि बांदी हे दासी अघां जी के चौबारी पर चढ़ कर देखो कोई संत दिख जावे, नहीं तो आज तेरी रानी मर जाएगी, तेरी रानी नहीं रहेगी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। जब बांदी ने ऊपर चढ़ कर देखा तो कबीर भगवान ये परमात्मा एक संत रूप में आने लग रहे हैं, सफेद कपड़ा, दाढ़ी बड़ी हुई। रानी से आकर कहती है कि एक बहुत ही अच्छी आत्मा, बहुत ही अच्छे साधु नजर आते हैं, पर हैं सफेद कपड़ों में, क्योंकि हमारे समाज में लाल कपड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं कि गेरुए कपड़े हैं तो महात्मा है, अन्यथा नहीं। परमात्मा की शक्ति इस शरीर के ऊपर आडंबर से परिचित नहीं होती, वो तो कमाई से होती है। ये कपड़े से कैसे पहन लो, पैंट कमीज पहन लो, अर्चा और धोती कुर्ता पहन लो, अगर कमाई है तो है, नहीं तो जीरो है। तो लाल पहनो तो नारा 20 बार लो, जोता रखाओ तो मत रखाओ, अगर कलनी कमाई नाम की है तो वस्तु है, अन्यथा व्यर्थ है। तो बांदी ने कहा कि मैं एक महात्मा, लाल कपड़े तो है नहीं पर लगे साधु है। वह कहते रानी बोली जल्दी जा और प्रार्थना करके लाओ संत को। बांदी जाती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी हमारी रानी आपको याद करती है, आप जरूर दर्शन दीजिए। सतगुरु कहते हैं आप कौन है, मैं उनकी बांदी हूँ, दासी हूँ। तो कहने लगे सतगुरु कहने लगे भी तू बांदी और बुलारो रानी, हम नहीं जाते ऐसे किसी के, रानी में गरज है तो आओ सुन, मैं वहां जाऊं और ऊपर से उसका राजा आजा कह दे, वो कहेगी मैं तो नहीं बुलाया, बांदी ने बुलाई थी, बुलाया था